गुड मॉर्निंग। आज मैथ्स में ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों आपके परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो जो परीक्षा में आएंगे देंगे, उसमें चार ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसका अच्छे से अध्ययन करें। ऑब्जेक्टिव्स के लिए टाइप क्वेश्चंस होते हैं, सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है बहुपद 5x + 4x² + 3 का मान जब x बराबर 2 होगा तो होगा। देखिए बहुपद दिया है 5x + 4x² + 3, x बराबर 2 पुट करना है। रखा तो 5x के स्थान पे 2 -4x के स्थान पे 2 घात 2 + 3 रखेंगे। हल करें 5 × 2 होगा 10 ऋण 2 × 2 = 4 और 4 कितना 16 × 3। ठीक, ये होगा तो यहाँ होगा ऋण 6 × 3। अब 3 में से 6 को माइनस करेंगे तो ऋण 3 आंसर होगा -3। ठीक है, आ जाएगा -3 आंसर बी होगा। दूसरा है वाई अक्ष से बिंदु पी 3-4 की लंबी दूरी है, 3-4 की लंबी दूरी को करेंगे हम पी 3 और 4, तो 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का वर्ग करेंगे 16, 9 × 16 जोड़ेंगे आ जाएगा कितना 25 आ जाएगा। इसका सही उत्तर होगा डी 25। ठीक है, तीसरा है बिंदु 3-4 × 4 के चतुर्थांश में स्थित है, यह होगा तृतीय चतुर्थांश में, सी उत्तर होगा सही। शून्य बहुपद की घात है 1, बी उत्तर सही होगा। बिंदु 7 × 6 की कोटि का मान है, कोटि का मतलब होता है y का मान। देखिए भुज कहलाता है 7 और कोटि होगी ऋण 6, यानी y का मान हो गया और ये x का मान, तो कोटि का मान ऋण 6 है, यानी ये सही उत्तर है, तो सही उत्तर होगा बी। ठीक, नेक्स्ट, यदि x धन 1 बहुपद 2x² + kx का एक गुणनखंड है तो k का मान है 2, सी इसका सही उत्तर है। यदि a धन b धन c बराबर 0 है तो a की घात 3 धन b की घात 3 धन c की घात 3 बराबर होता है 3abc के, सी उत्तर सही है इसका। समीकरण 3a + 4b = 24 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा हल हो सकता है, उत्तर होगा 4 और 3 सही उत्तर। अगला 9, दो संख्याओं का योग 25 व अंतर 5 है तो वे संख्याएं होंगी, योग और अंतर। देखिए अब माना वे संख्याएं 9 का सॉल्यूशन है, माना वे संख्याएं x और y है, दोनों का योग x + y कितना होगा 25 और अंतर मतलब बताना, तो x - y कितना है 5 है। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो +y - y कैंसिल हो जाएगा, x + x ये हो जाएगा 2 जुड़ेगा 2x = हो जाएगा 25 + 5 = 30 होगा, x की वैल्यू हो जाएगी 30/2, सॉल्व करो तो हो जाएगा कितना 15, तो x की वैल्यू आ गई 15। अब एक संख्या तो आ गई, दूसरी संख्या निकालने के लिए पहले समीकरण में इसको पुट करेंगे, तो पुट x = 15, तो x + y = 25, x के लिए वैल्यू रखेंगे 15 + y = 25, देन y = हो जाएगा 25 - 15, इसका उत्तर आएगा 10, तो x और y की वैल्यू 15 और 10, सही उत्तर है इसका a 15 और 10। नेक्स्ट, बिंदु 0 × 7 स्थित है y अक्ष पर, क्योंकि 0 x की वैल्यू 0 है तो 7 कितने पे होगा y पे होगा। ठीक है, तो c उत्तर सही है। 11, वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं कहलाता है मूल बिंदु। एक पिरामिड के पार्श्व फलक होते हैं,
पिरामिड के पार्श्वफलक त्रिभुज होते हैं। एक बिंदु की विमाओं की संख्या 0 इसका सही उत्तर है। किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5, 3, 7 है तो वह त्रिभुज है एक न्यून कोण त्रिभुज होगा। दो आसन्न कोणों का योग बराबर होता है 0 डिग्री के। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर संद्विभाजित ना हो तो वह आकृति होगी समचतुर्भुज। सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है? SSA। वह चतुर्भुज बराबर आधारों और एक ही समांतर रेखाओं में स्थित है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है समचतुर्भुज। एक घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घन का आयतन है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सही उत्तर है। चतुर्भुज के चार कोणों का योग होता है 360 अंश। सही उत्तर। आयत का प्रत्येक कोण होता है 90 अंश। इसका सही उत्तर। क्योंकि आयत में एक आयत बनाएंगे, प्रत्येक कोण इसका 90 अंश का होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त का व्यास। इसका सही उत्तर है। चतुर्भुज के में कितने कोण होते हैं? चतुर्भुज में होते हैं 4 कोण। सही उत्तर। समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा के लिए वृत्त बनाते हैं। देखो वृत्त के लिए केंद्र का और उसकी जीवा सबसे बड़ा ये कहलाती है वृत्त का व्यास। इसको कहते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक। ओ और ये ए, ओ ए केंद्र होगा और ओ ए और बी भी जो है वो जीवा होगी। ठीक है। नेक्स्ट है चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? चतुर्भुज का चित्र देखते हैं। ए बी और डी, इसमें भी 4 कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी एंड कोण डी। ओके, ए बी सी और डी। ठीक, 4 हो गए। समकोण कितने एक्स्ट्रा होते हैं? ठीक, समकोण के लिए चित्र बनाते हैं। समकोण होता है 90 अंश ए बी और सी। देखो तो आज आपको हमने ऑब्जेक्टिव्स जो है उसका अध्ययन कराया। आपको इसको याद करना है और नोटबुक में नोट करना है।